चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा लास्ट में करेंगे अपन, सबसे लास्ट में। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते क्या है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सबमिट करती है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 1995 की। सेल ऑफ द ईयर 2,75,000, ऑल गुड। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड दिया है, डब्ल्यू आई पी दिया हुआ, ठीक है। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर वर, परचेज दिया 1,10,000 का। मटेरियल इन्वेंट्री एट द बिगनिंग दिया है 3,000 और एट द एंड दिया है 4,000, ठीक है। डायरेक्ट लेबर आर 65 दिया है, जिस और फैक्ट्री ओवरहेड 60% दिया हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 6,000 दिया हुआ है। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर वर वर्किंग प्रोग्रेस ऑफ फिनिश गुड, तो ये 6,000 दिया हुआ है और दूसरा भी वो 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस 10% ऑफ सेल, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल दिया हुआ है। रिक्वायर टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब कि पूरा प्रॉफिट और लॉस बताना है। तब मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकम स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अपन इनकम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। इसमें नोट का कॉलम नहीं बना रहा हूं मैं, क्योंकि नीड नहीं लग रही मुझे इस सच कोई, दो ही कॉलम है। चलिए शुरू कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो इसलिए सबसे पहले मेरे को क्या लगता, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या कहता है इसमें परचेज, और माइनस क्या करता क्लोजिंग स्टॉक। ऑल गुड, समझ में आया आप लोगों को? तो मेरे पास में एक मिनट, मेरा क्वेश्चन, चलिए मेरे पास में बेटा सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपये। परचेज कितना क्या है, 1,10,000, और क्लोजिंग दिया है 4,000, मतलब कि इधर कितना हो जाएगा 1,09,000। 1,00,000 कितना, 9,000। पॉइंट नंबर बी, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया डायरेक्टली मेरे को, डायरेक्ट वेजेस 65,000। डायरेक्ट एक्सपेंस, आदत डाली डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने की तो लोग भूल जाते हैं, 0। प्राइम कॉस्ट A2C, मतलब क्या हो जाएगी 1,74,000। पॉइंट नंबर ई, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड पूरा लिखेंगे आप लोग एग्जाम में पक्का। और मेरे को बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, 65,000 का कितना परसेंट दिया है, 60%। ये तो दिया है, सिंपल सा एब्जॉर्ब निकालना है, तो 65,000 का कितना परसेंट, 60%, मतलब कि 39,000। पॉइंट नंबर एफ, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा डी प्लस ई, यानी कि 174 प्लस 39,000, यानी कि 2,13,000। 2,13,000 पॉइंट नंबर ई एफ जी, प्लस करूँगा क्या इसमें, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी एच, लेस करूँगा क्या क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी,
आई क्या बचेगा फिर मेरे पास में, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तब मेरे पास में था ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कितना दिया हुआ है मेरे पास में, अगर आप नीचे में देखोगे तो आपको क्लोजिंग मिल जाएगा कितना 6000 का, और ओपनिंग अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 4000 का, सॉरी 4000 का। तो इसका नेट इफेक्ट अगर मैं बोलूँ तो कितना होगा 2000 नेगेटिव, 4000 प्लस माइनस 6000 माइनस, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा 211000। ए बी सी डी एफ जे जे के आई जे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड करूंगा क्या मैम, मेरे को एडमिन के खर्चे दिए बस, बाकी सब मैं लिख चुका हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मैं इसको मानूंगा कि ये किसका रिलेटेड है, अज्यूम टू बी प्रोडक्टिव, अज्यूम क्या कर लिया मैंने, क्या है ये प्रोडक्टिव है। कैसे निकालूंगा मैम, नीचे दिया हुआ है सेल का, सेल कितना है 275000, 275000 का 5%, 275000 का 5%, 13750। जे तो के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आई प्लस जे 224750, 224750। तो एल क्या आ जाएगा मेरा, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगा। तो इन्वेंटेड द बिगनिंग कितनी है इसकी 7000, और एट क्लोजिंग कितनी है 8000, ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। तो एन क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा 223750, 223750। ओ क्या हो जाएगा मेरा, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कैसे निकालूंगा, 275000 का 10%, ये दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, कितना आ जाएगा 27500। तो मेरा पी आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ क्या सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालूंगा, 223750 प्लस 27500, मतलब कि 251250। तो क्यू पॉइंट आ जाएगा मेरा आखिरी, सेल, सेल कितना दिया है 275000, तो आर हो जाएगा मेरा क्या प्रॉफिट। कैसे निकालूंगा मैम, क्यू माइनस पी, 275000 माइनस 251250 ने कितना जाएगा 23750, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। बेटा 10 मार्क का क्वेश्चन आता है और इससे हार्ड नहीं आएगा, यानी आएगा ऐसा नहीं बोलता हार्ड नहीं आएगा, पर इसी टाइप में आएगा। एक मैं आपको चारों एग्जाम के क्वेश्चन करा के दूंगा जो पिछले 4 साल में आए हुए हैं, 4 अटेम्प्ट में एक एक क्वेश्चन करेंगे, पर ये 10 मार्क का आता है जो आराम से आप लोगों को मिल सकते हैं। तो एक बार देखिए पूरा पूरा क्वेश्चन और लिखिए। पॉज करिए और लिखिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कवर करवा दे रहा हूँ ताकि आपको एक और बार 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 ना देखना पड़े। तो एक काम करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दे रहा हूँ, तो आप लोग जब भी आपका हो जाए नेक्स्ट वीडियो शुरू करिएगा।